एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूँगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुँचाता है सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूँ आपको भी रहना चाहिए आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हे hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थौं, स्कॉटन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नील एच मॉर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉनसेट समंता वैनसेंट और इस मूवी की स्टारिंग है वेन डीजल जैसोन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसोन मोमो जॉन सेना ब्राइट कलार रेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स जॉर्डन ब्रीवेस्टर नथेलिया एमैनुअल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मे, मेलक्योर एलन रिचसन हेलेन मेरिन कैरिट बी रिटिया मोरेनिया चार्ल्स थेरॉन और इसमें जो सिनेमेटोग्राफी के हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्रेंट टेलर और इसमें प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फेम्स वन रेस फिल्म रॉथ परफेक्ट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी नाइनटीन मई 2023 को रिलीज होगी और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एस डोमिनिक टोरी टोया को डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्थित एस डेस्कर्ड सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रॉड्रिगस एज लेटी ऑर्टिज के रोल में नजर आएंगे।, आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेशवल स्ट्रीट रेसर जो सेवानवृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सो के रूप में जैसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशो स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जेको टोरेटर के रूप में जॉन सी डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस लॉड्रिगज ब्रिज एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली सुंग सुग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट एरिक्स रिसनर बीडी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में बी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एब्लो पेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फास्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवा हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्राइन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पा, पाँचवीं सबसे महंगी फिल्म है फिल्म फिल्मनर उस अगस्त तक चला लंदन रोम डी रोमा टूरन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल्स फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स hey आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस या स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम्पसन थौं, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नील एच मोर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉनसेट समंता वैनसेंट और इस मूवी की स्टारिंग है वेन डीजल जैसोन स्टेथम माइकेली रोड्रिगूस जैसोन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लारसन ट्रेरेसा गिब्सन, चेरिस क्रिस नथेलिया स्कॉट स्टूड माइकल रूकर डेनियल मेलक्योर एलन रिपसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरनिया चार्लिस थेरॉन और इसमें कोई सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इसमें प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म

डेस्कियड शॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिगस एज लेटी ऑर्टिज के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डैनटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेश्वर स्ट्रीट रेसर जो सेवानवृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सौ के रूप में जैसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया शॉ के छोटे भाई ओविन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशो स्ट्रीट रेसर और डाट के रूप में जेसन मोमो जेको टोरेटर के रूप में जॉन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस लॉड्रिगुज ब्रिज एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में ऑलवर्ड अडवर्ड एरिक्नर बीडी के रूप में, में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलन एलिमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में कॉर्डीबी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एब्लोपेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फास्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लिन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजेलिस फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई 2023 को संयुक्त राज्य में रिलीज किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी 2024 में रिलीज करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो का आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस या स्क्रीन प्ले दिए जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट एक कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम्सन थौं, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नील एच मोर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉनसेट समंता वैनसेंट और इस मूवी की स्टारिंग है वेन डीजल जैसोन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसोन मोमो जॉन सेना ब्राइट कलार रेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स जॉर्डन ब्रीवेस्टर नथेलिया एमैनुअल सुंग कैंग स्कॉट एस्टवुड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिचसन हेलेन मेरिन कैरिट बी रिटिया मोरेनिया चार्ल्स थेरॉन और इसमें जो सिनेमेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्रायन टेलर और इसमें प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फेम्स वन रेस फिल्म रॉथ परफेक्ट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और मई मूवी 19 मई 2023 को रिलीज होगी और यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका थ्री हंड्रेड मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वन डीजल एस डोमिनिक टोया को हम डोम के रोल में नजर आएंगे और जैसन जैसा डेस्कियड सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रॉड्रिगस एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डैनटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोव टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेशवर स्ट्रीट रेसर जो सेवानवृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सौ के रूप में जैसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बना बन गया सॉक के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस के रूप में मेसेल रोड्रिगूज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशो स्ट्रीट रेसर और डाट के रूप में जेसन मोमो जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन सिन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीटरेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस लॉड्रिगुज ब्रिज एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली सुंग सुग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट एरिक्स रिसनर, बीडी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में बी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एबलोपेरी डोम और लेटी का बेटा दो, दो संस्करण से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फास्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सीफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवा हवाला देते हुए लिन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्राइंड टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पा, पाँचवीं सबसे महंगी फिल्म है फिल्म फिल्मकनर उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डीरोमा ट्यूरेन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल्स फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स hey आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस या स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थौं, स्कॉटन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नील एच मॉर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉनसेट समंता वैनसेंट और इस मूवी की स्टारिंग है वेन डीजल जैसोन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसोन मोमो जॉन सेना ब्राइट कलार रेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स जॉर्डन ब्रीवेस्टर नथेलिया एमैनुअल सुंग कैंग स्कॉट एस्टवुड माइकल रूकर डैनियल मे, मेलक्योर एलन रिचसन हेलेन मेरिन कैरिट बी रिटिया मोरेनिया चार्ल्स थेरॉन और इसमें जो सिनेमेटोग्राफी के हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्रायन टेलर और इसमें प्रोडक्शन कंपनी ओरिजिनल फेम्स वन रेस फिल्म रॉथ परफेक्ट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी नाइनटीन मई 2023 को रिलीज होगी और यूनाइटेड ये ये स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एस डोमिनिक टोरी टोया को डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्थित एस डेस्कर्ड सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रॉड्रिगस एज लेटी ऑर्टिज के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेशवल स्ट्रीट रेसर जो सेवानवृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सो के रूप में जैसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशो स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन सी डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस के रूप में लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ ट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस लॉड्रिग ब्रिज एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग हान ल्यू के रूप में और स्कॉट एरिक्स रिसनर बीड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में बी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डाट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एब्लो पेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फास्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सीफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवा हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्राइंड टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पा, पाँचवीं सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन, रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल्स फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोस में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स hey आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस या स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम्पसन थौं, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नील एच मोर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉनसेट समंता वैनसेंट और इस मूवी की स्टारिंग है वेन डीजल जैसोन स्टेथम माइकेली रोड्रिगूस जैसोन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लारसन ट्रेरेसा गिब्सन, चेरिस क्रिस जॉर्डन ब्रिविस्टर माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिपसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरनिया चार्लिस थेरॉन और इसमें कोई सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इसमें प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ क्रिस्बम फिल्म्स परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये मूवी 19 मई 2023 को रिलीज़ होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एस डोमिनिक टोरीटो या कहा डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन एस डेस्क के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेशवर स्ट्रीट रेसर जो सेवनवृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सोक्सा के रूप में जेसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशो स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैको टोरेटर के रूप में जॉन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीटरे और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग हान ल्यू के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बेडी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में कार्डीबी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मॉरेन और शिफर के रूप में चार्लिस थेरन, एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एबलोपेरी पेरी और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवा हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटरर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजलिस फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है hey फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस या स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम्सन थौं, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समंथा वैंसेंट और इस मूवी स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लार्सन टेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स, जॉर्डन ब्रिवेस्टर नथेलिया इमान्यूल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डेनियल मेलक्योर एलन रिपसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ क्रिश बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये मूवी 19 मई 2023 को रिलीज होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्टेथम एस डेस्केड सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिगस एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पुरापराधिक और पेशवर स्ट्रीट रेसर जो सेवन वृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सोक्सा के रूप में जेसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी आर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशोर स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकब टोरेटर के रूप में जॉन सिन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टैरिस टा, एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज स्ट्रीट ट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस लॉड्रिगुज ब्रीज, एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग कॉन्ग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट ऑलवर्ड एरिक्सनर बीड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में कार्डीबी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डाट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड के रूप में लियो एब्लोपेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि 2021 की घटनाओं के बाद सिफर और डोमिनिक और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पा, पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का नाम उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजलिस फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम थौं, थॉम्सन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जेफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समन्था वैनसेंट और इसमें भी स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रॉड्रीगूस जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लार्सन ट्रेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स, जॉर्डन ब्रिविस्टर नथेलिया इमान्यूल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिक्सन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरेनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ क्रिश बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी 19 मई 2023 को रिलीज़ होगी और ये धं तो हो यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एज डोमिनिक टोरिटो या डोम के रोल में नजर आएंगे और जैसन डेस्केड सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिगस एस लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पुरापराधिक और पेशवर स्ट्रीट रेसर जो सेवनवृत्त हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सोसा के रूप में जेसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिग डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल, सुंग कॉन्ग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बीड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में बी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एबलो पेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की, की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हजार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का नाम उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा प्यूरेन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल्स फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम थौं, थॉम्सन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जेफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समंथा वैंसेंट और इस मूवी के स्टार्टिंग है डीजल, जैसन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लारसन गिब्सन चेरिस जॉर्डन सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिपसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मोरनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सैनिटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी औरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी 19 मई 2023 को रिलीज होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डोम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्टेथम एस डेस्क सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिग एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरीटो के रोल में नज़र आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पुर आपराधिक और स्ट्रीट रेसर जो सेवान्वृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका के रूप में जेसन नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बना बन गया शॉ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी आर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिग डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशोर रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीटरे और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग हान के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बेडी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में कार्डीबी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मॉरेन और शिफर के रूप में चार्लिस थेरन, एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एबलोपेरी पेरी और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटरर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजलिस फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस या स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम्सन थौं, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समंथा वैनसेंट और इस मूवी के स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रॉड्रीगूस जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लार्सन ट्रेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स, जॉर्डन ब्रिविस्टर नथेलिया इमान्यूल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिक्सन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरेनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ क्रिश बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये मूवी 19 मई 2023 को रिलीज होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्टेथम एस डेस्केड सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिगस एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पुरापराधिक और पेश्वर स्ट्रीट रेसर जो सेवान्वृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सौ के रूप में जैसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बना बन गया शॉ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी आर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशोर स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन सिन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज स्ट्रीट रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस लॉड्रिगुज ब्रीज, एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग कॉन्ग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट ऑलवर्ड एरिक्सनर बेडी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में कार्डीबी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस हैरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो पेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फास्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पा, पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का नाम उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल्स फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम थौं, थॉम्सन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जेफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समंता वैनसेंट और इसमें स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लॉर्सन ट्रेरेसा चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिज जॉर्डन ब्रिविस्टर नथेलिया इमान्यूल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिचसन हेलेन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ क्रिश बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी 19 मई 2023 को रिलीज़ होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्टेथम एस डेस्क सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिगस एस लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेशवर स्ट्रीट रेसर जो सेवनवृत्त हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सोसा के रूप में जेसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिग डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ ट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल, सुंग कॉन्ग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बीड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल रूप में मिरन और लेस के रूप में और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स मेकर्स के रूप में लियो एवलो पेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की, की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हजार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का नाम उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा प्यूरेन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल्स फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम थौं, थॉम्सन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉत जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समंथा वैंसेंट और इस मूवी के स्टार्टिंग है डीजल, जैसन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लारसन गिब्सन चेरिस जॉर्डन ब्रिविस्टर स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिचसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मोरनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सैनिटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी औरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी 19 मई 2023 को रिलीज होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में इस वैन डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डोम के रोल में नजर so आएंगे और जैसन स्टेथम एस डेस्क सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिग एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरीटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पुर आपराधिक और स्ट्रीट रेसर जो सेवान्वृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका सा के रूप में जेसन नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बना बन गया शॉ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी आर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशोर स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉनसिन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीटरे और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग हान ल्यू के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बेडी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम, मैकेनिकोम और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल रूप में हैलन मिरन और, लेस के में, भी, और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और शिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डाट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एवलो पेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डैनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवा हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटरर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजलिस फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स hey आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस या स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम्सन थौं, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समंथा वैंसेंट और इसमें स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लार्सन टेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिज जॉर्डन ब्रिवेस्टर नथेलिया इमान्यूल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डेनियल मेलक्योर एलन रिपसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ क्रिश बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये मूवी 19 मई 2023 को रिलीज होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्टेथम एस डेस्केड सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिगस एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पुरापराधिक और पेशवर स्ट्रीट रेसर जो सेवन वृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सोक्सा के रूप में जेसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी आर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशोर स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन सिन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषक स्ट्रीट ट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस लॉड्रिगुज ब्रीज़, एक तकनीक विशेषक मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग कॉन्ग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट ऑलवर्ड एरिक्सनर बीड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल रूप में मिरन और लेस के रूप में भी, और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रैंड मेकर्स के रूप में लियो एवलोपेरी पेरी और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो फास्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का नाम उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजलिस फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम थौं, थॉम्सन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जेफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समन्था वैनसेंट और इसमें भी स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रॉड्रीगूस जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लार्सन ट्रेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स, जॉर्डन ब्रिविस्टर नथेलिया इमान्यूल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिचसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरेनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी 19 मई 2023 को रिलीज़ होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में तो न डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्थित सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिगस एस लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेश्वर स्ट्रीट रेसर जो सेवान्वृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड स के रूप में जैसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बना बन गया शॉ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिग डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशो स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ ट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल, सुंग कॉन्ग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बीड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में बी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मॉरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एबलो पेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की, की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हजार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का नाम उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा प्यूरेन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल्स फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम थौं, थॉम्सन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉत जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समंथा वैंसेंट और इस मूवी स्टारिंग स्टार्टिंग है डीजल, जैसन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लारसन गिब्सन चेरिस जॉर्डन सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिपसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मोरनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सैनिटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी औरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी 19 मई 2023 को रिलीज़ होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डोम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्टेथम एस डेस्क सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिग एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरीटो के रोल में नज़र आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पुर आपराधिक और स्ट्रीट रेसर जो सेवान्वृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका सा के रूप में जेसन नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बना बन गया शॉ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी आर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिग डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशोर स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकब टोरेटर के रूप में जॉनसिन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीटरे और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग हान के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बेडी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में कार्डीबी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मॉरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन, एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एबलो पेरी डोम और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवा हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटरर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजलिस फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस या स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम्सन थौं, की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जिफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समन्था वैनसेंट और इस मूवी के स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रॉड्रीगूस जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लार्सन ट्रेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स, जॉर्डन ब्रिविस्टर नथेलिया इमान्यूल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिक्सन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरेनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ क्रिश बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और ये मूवी 19 मई 2023 को रिलीज होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में डीजल डोमिनिक डॉम के रोल में नजर आएंगे और जैसन सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिग एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैको टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेशवर स्ट्रीट रेसर जो सेवनवृत्त हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सोक्सा के रूप में जेसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी आर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशोर स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकब टोरेटर के रूप में जॉन सिन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टैरिस टा, एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज स्ट्रीट ट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस लॉड्रिगुज ब्रीज़, एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग कॉन्ग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट ऑलवर्ड एरिक्सनर बीड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल रूप में मिरन और लेस के रूप में भी, और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रैन मेकर्स के रूप में लियो एवलोपेरी पेरी और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी के स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि 2021 की घटनाओं के बाद ट्वेंटी और डोमिनिक और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 में मुख्य फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन, रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा हे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम थौं, थॉम्पसन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जेफ क्रिश्चनबम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समन्था वैनसेंट और इसमें भी स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रॉड्रीगूस जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लार्सन ट्रेरेसा गिब्सन चेरिस ल्यूड क्रिस ब्रिड्स, जॉर्डन ब्रिविस्टर नथेलिया इमान्यूल सुंग कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिचसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मॉरेनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सीनेटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी ऑरिजनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी 19 मई 2023 को रिलीज़ होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी के कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में न डीजल एज डोमिनिक टोरीटो या कह डॉम के रोल में नजर so आएंगे और जैसन स्थित एस डेस्क सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिगस एस लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरिटो के रोल में नजर आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पूर्व आपराधिक और पेशवर स्ट्रीट रेसर जो सेवनवृत्त हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका डेकोड सोसा के रूप में जेसन स्टेथम नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बन गया सौ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी ऑर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिग डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशो स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ ट्रेसर और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल, सुंग कॉन्ग हॉन ल्यू के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बीड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल रूप में मिरन और लेस के रूप में और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डाट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो पेरी और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की, की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हजार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का नाम उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा प्यूरेन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजल्स फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई दो को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज़ में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस एक्स के बारे में या कहें फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के बारे में तो फ्रेंड्स ये 2023 की एक्शन एडवेंचर मूवी है जो कि एक अपकमिंग मूवी है तो फ्रेंड्स फास्ट एक्स ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस टेन के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंड्स ये आने वाली अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं लुइस लेटेरिया स्क्रीन प्ले दिए हैं जस्टिन लिन डैन मैजुई बेस्ट और ये मूवी बेस्ट है कैरेक्टर जो कि गैरी गे, स्कॉट थॉम थौं, थॉम्सन की है और इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं नैल एच मॉर्टिस वेन डीजल जेफ बम जोई रॉथ जस्टिन लिन क्लेटन टॉन समंथा वैंसेंट और इस मूवी के स्टारिंग है वेन डीजल जैसन स्टेथम माइकेली रोड्रिग जैसन मोमो जॉन सेना ब्राइट क्लारसन गिब्सन चेरिस जॉर्डन ब्रिविस्टर कैंग स्कॉट एस्टूड माइकल रूकर डैनियल मेलक्योर एलन रिचसन हेलन मेरिन कैरिट बी रिटिया मोरनिया चार्लिस थेरॉन और इस मूवी को सैनिटोग्राफी किए हैं स्टीफन एफ विंडोन म्यूजिक दिए हैं ब्राइन टेलर और इस मूवी को प्रोडक्शन कंपनी औरिजिनल फिल्म वन रेस फिल्म रॉथ बम फिल्म परफेक्ट स्टॉम इंटरटेनमेंट और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यूनिवर्सल पिक्चर्स और यह मूवी 19 मई 2023 को रिलीज होगी और ये यूनाइटेड स्टेट्स की इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है जिसका बजट 340 हंड्रेड एंड फोर्टी मिलियन रहा तो फ्रेंड्स इस मूवी की कास्ट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हम इस मूवी में वैन डीजल एस डोमिनिक टोरीटो या कह डोम के रोल में नजर आएंगे और जैसन स्टेथम एस डेस्क सॉ के रोल में नजर आएंगे और माइकल रोड्रिग एज लेटी ऑर्टिस के रोल में नजर आएंगे और जैसन मोमो एज डेंटी के रोल में नजर आएंगे और जॉन सीना एज जैकोब टोरीटो के रोल में नज़र आएंगे तो फ्रेंड्स इस मूवी में वैन डीजल के रोल के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स वैन डीजल एक पुर आपराधिक और स्ट्रीट रेसर जो सेवान्वृत हो चुका है और अपनी पत्नी लेटी और अपने बेटे ब्रायन मॉर्कस के साथ घर बसा चुका है और डेका के रूप में जेसन नजर आएंगे जो कि डोम और उनकी टीम का एक पूर्व विरोधी जो बाद में डोम के बेटे को बचाने के बाद एक नया सदस्य बना बन गया शॉ के छोटे भाई ओवेन को सिफर के लिए काम करते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेटी आर्टिस्ट के रूप में मेसेल रोड्रिगोज डोम की पत्नी और एक पूर्व अपराधी और पेशोर स्ट्रीट रेसर और डार्ट के रूप में जेसन मोमो और जैकोब टोरेटर के रूप में जॉनसिन डोम और मिया का भाई और एक मास्टर चोर हत्यारा और उच्च प्रदर्शन वाला ड्राइवर जो कभी मिस्टर नोबडी एजेंट के रूप में काम करता था और टेस्ट के रूप में ब्री लॉर्सन और रोमिन पियर्स के रूप में टायरिस गिब्स एक पूर्व आदतन अपराधी विशेषज्ञ स्ट्रीटरे और डोम की टीम का सदस्य तेज पार्कर के रूप में क्रिस ब्रीज। एक तकनीक विशेषज्ञ मैकेनिक और डोम की टीम का सदस्य मिया टोरोटो के रूप में जॉर्डन ब्रास्टर रेमसी के रूप में नाथली इमैनुअल सुंग हान के रूप में और स्कॉट अडवर्ड एरिकनर बेड़ी के रूप में माइकल रूकर एक मैकेनिक जो डोम जैको और मिया के पिता के पीट क्रू का सदस्य है और मैकडिल क्विलेन एलमनस सो के रूप में हेलन मिरन और लेस के रूप में कॉर्डीबी और एबोल टोरोटो के रूप में रीटा मोरेन और सिफर के रूप में चार्लिस थेरन एक आपराधिक मास्टरमाइंड और साइबर आतंकवादी जो डोम की टीम का दुश्मन और डार्ट के साथ काम कर रहा है और फ्रेंड्स ब्रांड मेकर्स के रूप में लियो एबलोपेरी पेरी और लेटी का बेटा और फ्रेंड्स डेनियल दे, मेलचोर और एलन रिचर्स को घोषित भूमिका में लिया गया है रिपोर्ट के अनुसार गैल गैडविन ने दिसंबर 2022 में दर्शकों के लिए प्रदर्शित फिल्म के दो संस्करण में से एक गिसेल यासर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो फर्स्ट एंड फ्यूरियस नाइन जो कि टू की घटनाओं के बाद सिफर और डार्ट डोमिनिक टोरेटो और उसके चालक दल के खिलाफ अपनी लड़ाई में एकजुट हो जाते हैं जिन्हें टेस्ट द्वारा सहायता प्रदान की जाती है इसके आगे की इस मूवी में कहानी होने वाली है तो फ्रेंड्स इस मूवी के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 2014 में दसवीं फिल्म की योजना बनाई गई थी और अक्टूबर दो से दो भाग के समापन की योजना बनाई गई थी लीन को मुख्य कलाकार के साथ निर्देशन में लौटने की पुष्टि हुई थी अप्रैल 2022 हज़ार बाईस में फोटोग्राफी शुरू होने पर फिल्म के आधिकारिक शीर्षक का खुलासा हुआ रचनात्मक मतभेद का हवा हवाला देते हुए लीन ने उस महीने बाद में निर्देश के रूप में छोड़ दिया हालांकि उन्होंने क्रेडिट लिखना और निर्माण करना जारी रखा लेटरर को एक हफ्ते बाद उनके प्रति पर प्रतिस्थापना के रूप में काम कर काम पर रखा गया था लंबे समय तक फ्रेंचाइजी संगीतकार ब्रायन टेलर फिल्म को स्कोर करने के लिए लौट आए 340 मिलियन डॉलर के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ यह अब तक की पा, पांचवी सबसे महंगी फिल्म है फिल्म का उस अगस्त तक चला लंदन रोम जेनोजिन डी रोमा ट्यूरिन में हो रहा था लिस्बन और लॉस एंजलिस फास्ट एक्स को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा 19 मई 2023 को संयुक्त राज्य में रिलीज़ किया जाना है जबकि इसे सीक्वल को फरवरी दो में रिलीज़ करने की योजना है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वीडियोज में बने रहें तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे वीडियो का रीच बढ़ेगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ये हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा